क्लास में सुडो आइनोकोजी से पूछता है, क्या तुम्हें कोई चॉकलेट मिला है? इके कहता है, वो एक्चुअली पूछना चाहता है कि क्या तुम्हें हुरिकेता से कुछ मिला है। सुडो कहता है, बेवकूफ, सुजुने के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, क्या तुम्हें कुछ मिला है आइनोकोजी? आइनोकोजी कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला है और मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। सुडो कहता है, सीरियसली, मैं शर्त लगाता हूँ कि वो तुम्हें कभी नहीं देगी। सोटोमुरा कहता है, मैं ये चॉकलेट वगैरह का मोह नहीं रखता हूँ। इके कहता है, तुम तो काफी सख्त हो। अरे सोटोमुरा, तुम्हारे बातचीत में इतना बदलाव कैसे? सोटोमुरा कहता है, हाँ, तुमने नोटिस कर ही लिया, हमारे रिसेंट मेडिटेशन ट्रेनिंग ने मुझे मेरे असलियत से रूबरू कराया है। और पर इके उसके बात को इग्नोर करके होंडो के साथ बात कर रहा था, जिससे सोटोमुरा गुस्सा हो जाता है। इनके बातचीत से पता चलता है कि इके सिन्हवारा से चॉकलेट एक्सपेक्ट कर रहा है, पर वो ये नहीं चाहता है कि दूसरों को पता चले कि वो सिन्हवारा को लाइक करता है। इसी टाइम हिराता एंट्री करता है अपने साथ ढेर सारे चॉकलेट लेके। सारे बॉयज ये देखकर हैरान हो जाते हैं। हिराता, जिसका कारवी जबा से अभी अभी ब्रेकअप हुआ था, उसे इमिडिएटली इतने सारे चॉकलेट कैसे मिल गए? आइनोकोजी हुरिकेता से पूछता है, कुशीदा के बारे में क्या है? हुरिकेता कहती है, मैं हमारे रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रही हूँ, वो धीरे धीरे बदल रही है। आज केया के मॉल कैफे में वो मुझसे मिलेगी। सुडो हुरिकेता से कहता है कि वो स्टडी में उससे हेल्प लेना चाहता है, क्योंकि वो एक्सपेल नहीं होना चाहता। हुरिकेता कहती है, फिलहाल तो टाइम नहीं है, पर हमें बाद में टाइम मिलेगा। क्लास के बाद आइनोकोजी सोचता है, कारुजावा की रिपोर्ट के हिसाब से इचिनो से आज भी घर पर ही रहेगी। इस टाइम हासिमोटो उसका पीछा कर रहा था। रात में नागामो फॉस्टर स्टूडेंट्स के सामने मनाबो के साथ अपने नेक्स्ट मूव के बारे में बात कर रहा था। वो चाहता है कि मनाबो कल का एग्जाम ना दे। मनाबो ऐसा करने से मना करता है। नागामो कहता है, कोई भी मेरे नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ना ही तुम, ना ही कोई और, ना ही तुम्हारा पर्सनल फेवरेट कियाटो का आइनोकोजी। इस बात को हासिमोटो सुन रहा था, तो इसीलिए वो आज आइनोकोजी का पीछा कर रहा है। वो जानना चाहता है कि आइनोकोजी में ऐसा क्या खासियत है कि उसके बारे में प्रेसिडेंट नागामो और मनाबो हुरिकेता भी बात करते हैं। आइनोकोजी एक जगह पे पहुंचता है जहां कारुजाबा उससे मिलती है। कारुजाबा पूछती है, हम इसी वीरान जगह पर क्यों मिल रहे हैं? आइनोकोजी कहता है, तुम्हारा हिराता से ब्रेकअप हुआ है, अगर इस टाइम हमें कोई देख लेगा तो र्यूमर्स फैलना तो पक्का है, तुम ऐसा नहीं चाहोगे ना? कारुजाबा कहती है, अगर कोई हमें देख लेता है तो र्यूमर्स फैलना तो तय है। हासिमोटो इन दोनों की बातचीत को सुन नहीं पा रहा था। आइनोकोजी कारुजाबा को एक अननोन नंबर के बारे में पूछता है, जिससे उसे कॉल आया था और अभी ये नंबर स्विच्ड ऑफ दिखा रहा है। कारुजाबा इस नंबर के ओनर के बारे में जानकारी देने के लिए राजी हो जाती है। इसी के साथ आइनोकोजी उसे आने वाले टेस्ट के लिए ट्यूटरिंग करने का प्रॉमिस भी करता है। जाने से पहले कारुजाबा आइनोकोजी को वैलेंटाइन स्टेट चॉकलेट देती है। वो कहती है, मैंने ये हिराता के लिए खरीद के रखा था, पर अब उसे ये देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वैसे क्या तुम्हें किसी और ने भी चॉकलेट दिया है? आइनोकोजी कहता है, नहीं, और किसी ने भी नहीं। हासिमोटो इन्हें देख रहा था। उसे थोड़ा डाउट होता है कि इन दोनों के बीच कुछ रोमांटिक बात है। फिर वो इनके सामने आ जाता है। कारुजाबा पूछती है, ये कौन है? आइनोकोजी कहता है, ये हासिमोटो है, क्लास ए से। ट्रेनिंग कैंप में हम सेम ग्रुप में थे। हासिमोटो कहता है, आज वैलेंटाइंस डे है ना? आइनोकोजी कहता है, हम वैलेंटाइंस डे के लिए नहीं मिले है। हासिमोटो कहता है, नहीं नहीं, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हें चॉकलेट मिला है। कारुजाबा कहती है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं ये चॉकलेट हिराता के लिए खरीद के रखी थी, पर अब मैंने इसे फेंकने के बजाय एक रैंडम लड़के को, यानी आइनोकोजी को दे दिया। पर हासिमोटो को इन दोनों की बात पर यकीन नहीं था, सो वो इन्हें टेस्ट करने के लिए कारुजाबा के एकदम करीब आकर कहता है, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, तुम्हें मेरे साथ डेट पे आना चाहिए कारुजाबा।
कारुइजाबा कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह मैं राजी हो जाऊंगी? पर हाशिमोटो एक्चुअली आयनो कोजी का रिएक्शन देखना चाहता था। आयनो कोजी कहता है, ओके तो मैं जा रहा हूँ। कारुइजाबा हाशिमोटो को धक्का मार के वहाँ से चली जाती है। हाशिमोटो आयनो कोजी से उसका नंबर मांगता है और आयनो कोजी भी उसे अपना नंबर दे देता है। शाम को वो देखता है कि उसे पूरे 5 चॉकलेट्स मिले हैं, जो उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इसके बाद वो लिफ्ट के थ्रू इचिनोसे के रूम के सामने आता है। वो उसे कहता है, मुझे पता है तुम किसी से मिलना नहीं चाहती और तुमने कुछ खाया नहीं होगा, पर क्या तुम मेरे से ये चावल का दलिया एक्सेप्ट करोगी? इचिनोसे इसे एक्सेप्ट करती है और उसे अंदर आने के लिए कहती है। जुखाम के वजह से वो मास्क पहनी हुई है और आयने कोची को भी मास्क पहनना पड़ता है। इचिनोसे कहती है, शायद ज्यादा सोने और कम खाने के वजह से मेरा ये हाल हुआ है, पर मैं ये सिली र्यूमर्स के वजह से क्लासेस बंद नहीं कर रही हूँ। आयने कोची सोचता है, लगता है इमोशनल स्ट्रेस की वजह से उसके इम्यून सिस्टम के ऊपर असर पड़ रहा है। इसके बाद वो इचिनोसे के रूम से बाहर आ जाता है। अगली सुबह स्टूडेंट्स के बीच हड़कंप मच चुकी थी, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स के फोन पे कुछ इस तरह का मैसेज आया है। कियाटो का आयनो कोजी का केई कारुइजाबा के ऊपर क्रश है। होंडो रियातारो को मोटी लड़कियां पसंद है। सिनोहरा सासु के मिडिल स्कूल में एक प्रोस्टिट्यूट थी। सातो मायो ओनोडेरा कैरो से नफरत करती है। कुछ स्टूडेंट्स इन सारे र्यूमर्स को सच मान लेते हैं और उनका मजाक उड़ाने लगते हैं जिनके बारे में ये र्यूमर्स है। यामाउची, सातो, होंडो और आयनो कोजी का मजाक उड़ाता है इन र्यूमर्स के बारे में उन्हें पूछकर। वो सिनोहरा का बहुत मजाक उड़ाता है, क्योंकि र्यूमर्स के हिसाब से वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। इके इसका विरोध करता है और सिनोहरा भी कहती है कि इन र्यूमर्स पर यकीन मत करो, पर यामाउची इसे मानने के लिए राजी नहीं था। उसके हिसाब से बिना आग के धुआं कैसे आएगा? गुस्से में इके उसे मारने वाला था, पर सुडो इके को रोक लेता है। इस तरह ये रिमोर्स चिंगारी थे जो इनके बीच आग लगा चुके हैं। अब आयनो कोजी इन्हें कैसे शांत कराएगा, ये तो बस देखने वाली बात है। इसी के साथ क्लासरूम ऑफ लाइट का सीजन 3 एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हुआ। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। सायोनारा।